फ्रेंड्स, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ शादीशुदा लड़कियों को कैसे पटाएं या मैरिड लड़की को आसानी से कैसे पटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लड़कों की पसंद लड़कियों के मामले में थोड़ी सी हटकर होती है, थोड़ी अलग होती है। वो लड़के जो हैं अनमैरिड लड़की की बजाय शादीशुदा लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें उन्हें पटाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शादीशुदा लड़कियों को कैसे पटाएं या मैरिड लड़की को आसानी से कैसे पटा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टेप है, शादीशुदा लड़कियों को पटाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जब आप उनसे बात करते हो तो उसे इस तरह से फील होना चाहिए कि आप उन्हें अनमैरिड लड़की की तरह बात कर रहे हो, या फिर अनमैरिड समझते हो, या फिर उनसे बात करते समय आप उनकी जो पहले की लाइफ है, शादी से पहले की लाइफ है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि इससे उनकी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएंगी, उनको ऐसा फील होगा कि वो अभी भी अनमैरिड हैं, अभी भी कुंवारी हैं। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान है, इस तरीके से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी, उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि वो अभी भी अनमैरिड है, उन्हें काफ़ी अच्छा फील होगा। तो जब आप शादीशुदा लड़कियों से इस तरीके से बात करते हो कि उन्हें ये फील कराते हो कि वो अभी भी कुंवारी हैं या मैरिड नहीं है, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, उनके अंदर वो पहले की जैसी फीलिंग आने लगती है और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप शादीशुदा लड़कियों को आसानी से पटा सकते हो। अगला स्टेप है, शादीशुदा लड़कियों को पटाने के लिए आप उन्हें कोई प्यारा सा गिफ्ट भी दे सकते हो। खासकर गिफ्ट अगर वैसा हो जैसा उसको रिक्वायरमेंट है, या फिर उस लड़की को, मैरिड लड़की को जिस तरीके गिफ्ट की ज़रूरत है उस तरीके का अगर गिफ्ट देते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश कर सकते हो कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है या किस तरह का गिफ्ट उन्हें पसंद होता है। अगर आप वही चीज़ देते हो ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और जब आप उन्हें कोई ऐसा गिफ्ट देते हो जो जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है या जिस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, तो बहुत खुश होती हैं और इससे वो आपसे इमोशनली अटैच होने लगती हैं, उन्हें लगाव होने लगता है और वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी शादीशुदा लड़की को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, और इससे जो चांसेज हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो आपसे आसानी से पट जाती हैं। अगला स्टेप है, शादीशुदा लड़कियों को पटाने के लिए आप उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं। जैसे जब आप उनसे बात करते हैं या फिर उनसे मिलते हैं तो उन्हें ये फील होना चाहिए कि आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, वो आपकी लाइफ में काफ़ी वैल्यू रखती हैं, इसलिए जब आप उनसे बात करें तो उनकी बातों को नोटिस करें, ध्यान दें कि वो क्या बोल रही हैं या फिर क्या कहना चाह रही हैं। जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस दोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो ये सोचेंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, और इससे आपसे बात करके वो अपनी बोरिंग लाइफ को कुछ देर के लिए भूल जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप चले जाते हो तो आपके बारे में काफ़ी सोचती हैं, आप में उनमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, वो आपके जाने की कोशिश करती हैं, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपसे आसानी से पट भी जाती हैं। अगला पॉइंट है, शादीशुदा लड़कियों को पटाने के लिए आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। वो क्या सोचती हैं उनके बारे में हर चीज़ को जान लें कि वो क्या सोचती हैं या फिर क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और जब आप उनको ज़्यादा टाइम देते हो, उनके बारे में सुनते हो या फिर उनकी फीलिंग्स को जानते हो, वो कौन सी बात बताना चाहती हैं या उनके दिल की जो अंदर है, दिल में बातें हैं, वो जब आप शेयर करते हो तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आपसे इमोशनली जुड़ने लगती हैं और वो आपके आपसे जो नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। इससे क्या होता है कि वो आपसे अटैच हो जाती हैं और आपके बगैर वो रह नहीं पाती हैं। और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है किसी भी शादीशुदा लड़की को पटाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे स्टेप जिसको आप यूज़ करके शादीशुदा लड़कियों को आसानी से पटा सकते हैं या मैरिड लड़कियों को कैसे आसानी से पटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।